नमस्कार भारत, मैं मुकेश परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। हम इंग्लिश के वोकेबलरी सेशन के 39वें सेशन में आज आपके सामने उपस्थित हैं। बहुत दिनों के बाद एक लंबा सा गैप इंग्लिश के साथ, पर आशा करते हैं कि ये गैप अब न रहे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के, बिना किसी बातचीत के हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और वोकेबलरी के 3 वर्ड लेकर आपके सामने उपस्थित। चलिए, फर्स्ट वर्ड इज 109। 109 जो वर्ड है वो है आपका हंसमुख। कौन सा वर्ड है आपका? हंसमुख वर्ड है। चलिए, आपके सामने वोकैब नंबर 110। 109 गलती से हो गई थी, 110। 110 है जोवियल। बहुत प्यारा वर्ड है, इसी से आज आप स्टार्ट करेंगे, आपको मजा आएगा। जोवियल, हम अब सबको जोवियल होना चाहिए। जोवियल का मतलब होता है हंसमुख। हम सबका चेहरा बिल्कुल चेयरफुल एंड फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है, आपके चेहरे को देखकर किसी के मन के अंदर मुस्कान आ जाए, ऐसा मुखवान। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे आसपास के लोग जो सुमड़े हो, वो सुमड़े नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चेयरफुल होना चाहिए और फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है, सिनोनिम्स इसके होते हैं चेयरफुल, ठीक है, जोली। जोली का मतलब भी हंसमुख होता है, हैप्पी, खुश। गुड ह्यूमर, गुड ह्यूमर का मतलब क्या होता है? कहीं पर भी हम सभा में अपने दोस्त लोग बैठे हुए हैं, और दोस्त लोग बैठे हुए हैं जैसे कि, तो दोस्त लोग बैठे हुए हैं तो हम क्या करते हैं, कोई बात करते हैं। जब बात करते हैं और बात करते वक्त कोई इस प्रकार का ठहाका लगा के कोई चीज़ कह देता है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, किसी बात पर हंसने लग जाते हैं सभी। तो वो क्या होता है? गुड ह्यूमर होता है, यानी क्या होता है, अच्छी हंसाने वाली चीज़ें जो होती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट वर्ड की आपकी, इसके एंटोनिम्स के बारे में। तो एंटोनिम्स इसका जो है वो है ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब होता है मद्धा मद्धा, ठीक है, मिजरेबल और अनफ्रेंडली, यानी जो दुखी हो, अनफ्रेंडली हो, जो बिल्कुल सुमड़ा सुमड़ा रहता है, ग्लूमी रहता है, उस प्रकार के हंसमुख के उल्टे होते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही प्यारा वर्ड है, नाउन के रूप में हंसमुख है। ठीक है, यूज़ क्या है? माय फादर इज ए जोवियल, मेरे पिताजी हंसमुख हैं। ठीक है, एक बात ध्यान रख लीजिएगा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरे पिताजी जोवियल हैं, ये यहाँ तक ठीक लिखे। अगर आपने यहाँ लिख दिया माय फादर इज़ ए जोवियल पर्सन, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जोवियल एडजेक्टिव की तरफ वर्क करेगा, और एडजेक्टिव है ही नहीं है पहली बात, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखने ना कि ये नाउन। चलिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वोकैब नंबर 111, जोवियल आपने पढ़ा, हंसमुख हो गया। अब जब हंसमुख हो गए तो फिर किसी के काम में हस्तक्षेप भी मत करो आप। मेडलिंग, मेडलिंग का मतलब क्या होता है, हस्तक्षेप करना, इंटरप्ट करना, इंटरफेरेंस करना। ठीक है, क्या हो रहा है, इंट्रूसिव। अब आप सोचोगे ये इंट्रूसिव वर्ड क्या है, इंट्रूसिव का मतलब होता है किसी, जैसे कि हम बात करते हैं, इंट्रूजन होता है, इंट्रूजन का मतलब होता है मुठभेड़, मुठभेड़ का मतलब होता है किसी के सीमा में जाके घुस जाना, उसको बोलते हैं इंट्रूजन। तो इंट्रूसिव और अनवारंटेड इंटरफेरेंस, अनवारंटेड का मतलब होता है बिना किसी चाहते हुए आप उसमें अंदर इंटरफेरेंस कर दो, तो उसको बोलते हैं हस्तक्षेप, है ना, इंटरफियर। अब इसके सिनोनिम्स के बारे में बात करते हैं, सिनोनिम्स क्या होगा, इंटरफेरेंस, हम बोलते हैं ना मेरे काम में इंटरफेयर मत करना, इंटरफेरिंग, इंटरप्टिंग और इंटरवेंशन। ये सारी चीज़ें जो क्या होती है, ये सारी जो सारी चीज़ें होती है, इसका मतलब होता है हस्तक्षेप कर देना, बीच में पड़ जाना। और एंटोनिम्स इसके होते हैं अनइंटरेस्टेड, जब आप किसी के हस्तक्षेप करते हो और जब आप हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हो, उसके मामले में कोई दखलअंदाजी नहीं करना चाहते हो, तो इसका मतलब होता है यू आर अनइंटरेस्टेड, आप क्या हो, अरुचि दिखा रहे हो, डिटेच्ड हो उस मामले से, आप बिल्कुल बेरुखी करना चाहते हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपके यूज़ के बारे में बात करते हैं, यूज़ क्या है, आई हैव नो इंटरेस्ट, मतलब मेरी कोई रुचि नहीं है इन मेडलिंग इन योर फैमिली मैटर, यानी आपके परिवार के मामले में दखलअंदाजी करने की मेरी कोई रुचि नहीं है। बहुत ही प्यारे प्यारे वर्ड है, सुंदर सुंदर वर्ड है, याद रखिए रोजाना, और प्लीज़ इनको अपने आत्मसात करिए अपनी जीवन। क्वेश्चन नंबर 112 ए वोकैब नंबर 112, रिपेरेशन। रिपेरेशन का मतलब होता है मुआवजा। मुआवजा मीनिंग पेमेंट फॉर हार्म और डैमेज, यानी जो आपको पेमेंट है वो हार्म और डैमेज के लिए दिया जाता है, जैसे कि थोड़ी देर के लिए कि यू आर ए फार्मर एंड योर क्रॉप हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, यानी आपकी जो फसलें हैं वो ख़राब हो चुकी है, तो यू डिमांड, यानी आप जो डिमांड करते हो टू गवर्नमेंट कि प्लीज़ गिव अस रिपेरेशन, यानी हमें अपनी फसल जो ख़त्म हो गई है उसका क्या दीजिए, मुआवजा दीजिए। तो इसके ये हो गया। अब सिनोनिम से बात करते हैं, कंपेंसेशन भी होता है,
डैमेज जो आपको काम हुआ है उसका डैमेज अपन देते हैं, इंडेमनिटी, रिकम्पेंस, रिड्रेस, रेस्टिट्यूशन और एमेंड्स। ये सारी चीज़ें क्या होती है, जनरली क्या होता है, ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो कहीं ना कहीं अलग अलग जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक ही जगह पर। रिपेरेशन का मतलब होता है मुआवजा। अभी ये वर्ड इसलिए आ रहा है क्योंकि कोरोना चल रहा है और कोरोना में क्या हो रहा है, कई सारे लोगों को क्या होता है अपने जो व्यापार है उससे हाथ धोना पड़ रहा है और उसके कारण क्या होता है उनको दिक्कत आ रही है, तो वो सरकार से डिमांड कर रहे हैं मुआवजे की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका एंटोनिम्स में पेनल्टी करना या सिंपैथी करना। भाई किसी को चीज़ को मुआवजा नहीं देना, मुआवजा देना का मतलब होता है किसी को किसी का हर्जाना देना। ठीक है, कोई नुकसान हो गया उसका तो यानी इसका मतलब अब उसका पेनल्टी कर देना, उसके प्रति सहानुभूति देकर अच्छा ना केवल पैसा वैसा कुछ नहीं देना, तो उसको कहते हैं एंटोनिम्स। यूज़ इसके लिए द फार्मर हैज़, फार्मर की स्पेलिंग गलत है, वो फार्मर होना चाहिए, फार्मर मतलब किसान। क्या है ये FARMER, फार्मर मतलब किसान। तो फार्मर हैज़ डिमांडेड रिपेरेशन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, यानी किसान जो है वो रिफरेशन कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट से। क्या डिमांड कर रहे हैं कि भाई मुआवजा दो, हम हमारा प्याज ख़राब हो गया, हमारी फसलें ख़राब हो गई, हमारी जो सब्जियां थी वो कोरोना के कारण मार्केट में नहीं जा पाई, कई सारी चीज़ें, तो वो डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ। देखिए तीन वर्ड थे हमारे पास, बहुत ही प्यारे प्यारे वर्ड थे। सबसे पहले था आपका जोवियल, जोवियल का मतलब होता है इंटरफेरेंस, जोवियल का चीयरफुल एंड फ्रेंडली। मेडलिंग, मेडलिंग का इंटरफेरेंस, एंड रिपेरेशन का मतलब होता है पेमेंट फॉर हार्म और डैमेज। देखिए कोशिश करिए इंग्लिश मीनिंग के साथ याद रखिए और हिंदी मीनिंग भी उसका रखिए, मज़ा आएगा आपको। देखिए और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम चलते हैं अब आज की तारीख में। सबसे पहला वर्ड है वन हु इज़ ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, वन हु इज सेंटर फॉर अट्रैक्शन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जैसे कि आप शादी में जा रहे हैं, तो शादी में अगर देखिए आपके दोस्त की शादी है, ये भी आपका दोस्त है, ठीक है, उसकी शादी है, ये उसकी दुल्हन है, ये उसका परिवार है। अब उस दोस्त ने वहाँ पर रणबीर कपूर को बुला लिया, तो पता है रणबीर कपूर क्या होंगे, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। अब दूल्हा दुल्हन को कौन देखने वाला वहाँ पर, किसको देखेंगे, वो रणबीर कपूर को देखेंगे। तो क्या होता है इस प्रकार की चीज़ें क्या हो जाती है सेंटर ऑफ, या होता है कभी कभी जैसे कि आप किसी की शादी में जा रहे हैं वहाँ पे किसी विधायक को बुला दिया, तो विधायक क्या होगा, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आकर्षण बिंदु, क्या बोलते हैं इसको, आकर्षण बिंदु, यानी जो आकर्षण का बिंदु है लोग सब उसी की तरफ देख रहे हैं, उसी को बोलते हैं आकर्षण बिंदु, यानी वन हु इज अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण। उसको बोलते हैं सिनोशोर, क्या बोलते हैं इसको, सिनोशोर। चलिए आगे चलते हैं हमारा ए लीडर और ओरेटर, एक नेता या फिर ओरेटर, ओरेटर का मतलब होता है जो भाषण देता है इस प्रकार से, ओरेट करता है। हूँ एक्सपोज्ड, एक्सपोज्ड वर्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है एक्सपोज्ड, द काज ऑफ कॉमन पीपल, कोज का मतलब होता है कारण, कॉमन पीपल का मतलब होता है साधारण लोग, हम सब साधारण लोग ही, उन सब के एक्सपोज करता है, एक्सपोज करता का मतलब होता है उसको समर्थन करता है, उसको सहायता करता है, उसको एड करता है, AID, एड मतलब हेल्प, सहायता। यानी एक ऐसा लीडर या ओरेटर जो कि मध्यम वर्गीय लोग जो लोग हैं उनके जितने भी कारण हैं, देखो मध्यम वर्गीय जीवन में बहुत सारे कारण होता है, उसका रोटी कपड़ा मकान के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उसके कारण उनके चीज़ों को समर्थन करता है, उनकी चीज़ों की आवाज़ उठाता है, उन लोगों की सहायता करता है, उसके उसको बोलते हैं डेमोगेक, क्या बोलते हैं उसको, डेमोगेक। डेमोगेक का मतलब क्या होता है, प्रजानायक, क्या होता है, प्रजा नायक। अब प्रजा नायक आपने मूवी देखी होगी ना, कोई कोई मूवी होती हो जिसमें क्या होता है हीरा क्या हीरो क्या होता है उस कॉलोनी का बिल्कुल बादशाह होता है, वो उस कॉलोनी के बारे में बताता है कि देखो मैं हीरो हूँ, मतलब वो उनकी छोटी छोटी बातें लेकर वो जो सरकार के सामने रखता है, तो उसको बोलते हैं हम प्रजा नायक। आगे चलते हैं, ए पर्सन हैविंग ए सोफिस्टिकेटेड चार्म, एक ऐसा आदमी जिसका प्रभावशाली जो है वो चार्म हो, मतलब प्रभावशाली, जिसको देखते ही मतलब लगे आह ये पर्सन, तो इसको बोलते हैं डेबोनेर। डेबोनेर किसी के बारे में बोल सकते हैं भाई, आप अपने बारे में तो बोल ही सकते हो, डेबोनेर का मतलब होता है अनुग्रहपूर्ण, यार ये आदमी ऐसा है कि इसको घर पे ले जाकर चाय वाय पिलाने की इच्छा होती है, इसको बोलते हैं हम क्या होते हैं डेबोनेर। डेबोनेर का मतलब क्या होता है, अनुग्रहपूर्ण। 189 क्या हो रहा है, वन हु ऑफन टास्क ऑफ हिज अचीवमेंट्स, एक ऐसा आदमी होता है जो अपने उपलब्धियों के बारे में होता है, जैसे कोई कोई होते हैं ना
मैं तो छोटा सा था, 10 साल का था, इतना काम कर लिया, 11 साल में हुआ तो इतना हो गया ना, मेरे हो गया ना, मेरे परिवार में ना 20 साल में इतना करोड़ों कमा लिया ना, फला। तो मतलब क्या होता है, एक आदमी जब दो आदमी के बीच में बैठता है तो वो अपने ही बारे में डिंग हाँके करता है, अपनी ही उपलब्धियों को गिनाता रहता है, तो उसको बोलते हैं इगोटिस्ट। इगोटिस्ट का मतलब होता है अहमवादी। क्या होता है? अहमवादी। कई सारे लोग होते हैं भाई, उनके पास बैठ जाओ तो दिमाग ख़राब हो जाए, उनके पूरा इतिहास अपने को बताया करेंगे, ठीक है, अहमवादी। 189, 190, 1 हार्ड टू प्लीज़। हाँ, ये बड़े शानदार। एक आदमी ऐसा जिसको प्रसन्न करना बड़ा कठिन हो, सुमड़ा, जिसको अपने भाषा में बोलते हैं सुमड़ा, बैठा रहता है बिल्कुल ऐसा कैसे, जिसको कभी बोले कि अपन उसको खुश करो तो वो खुश तो होता ही नहीं है, है ना, गुदगुदी चलाओ जब बड़ी वो करेगा वो, ठीक है। आपने देखा होगा कई सारी मूवीज में होता है वो, धर्मेंद्र ऐसा ही रहता है बिल्कुल, ऐसा हंसता हंसता नहीं है बिल्कुल। तो इस प्रकार से तो वो क्या होता है, फास्टिडियस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? फास्ट, हिंदी में बोलते हैं उसको दुराराध्य। दुराराध्य, दुराराध्य का मतलब होता है जिसको बड़ी कष्ट दे के उसको हंसाया जा सके, मतलब वो हंसे वसेगा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है, तो उसको बोलते हैं दुराराध्य। तो आपने यहाँ पे जो 5 वर्ड पढ़े, सिनोशोर, सिनोशोर का मतलब होता है जो आकर्षण का बिंदु होता है। डेमोगेग, यानी आप डेमोगेग बन सकते हो अपनी प्रजा के। डेबोनेर का मतलब होता है जो सोफिस्टिकेटेड चार्म होता है जिसका। इगोटिस्ट, जो अपने ही उपलब्धियों के बारे में होता है। और फास्टिडियस, जिसको प्रसन्न करना बड़ा मुश्किल हो, है ना, बड़ी मुश्किल से हंसता हो, दुराराध्य, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने जो वर्ड पढ़े, चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारे पास टेस्ट। देखिए आज हमने 3 वर्ड और 5 वोकैब पढ़ी है, अब टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। हैव यू नोटेड डाउन प्रीवियस वोकेबलरीज इन योर कॉपी एंड लर्न। क्या आपने प्रीवियस वोकेबलरी को पढ़ा है अपने और उनको याद किया है? अगर आपने किया है तो बिल्कुल आप याद करिए। स्किरमिश, स्किरमिश जो वर्ड है उसके बारे में आपको क्या बताना है, आपके इसके एंटोनिम्स बताना है। प्रोवोकेशन को आपको एक सेंटेंस बनाना है। क्यू को आपको एक सिनोनिम्स लिखना है। और वन हु इज़ बेड इन स्पेलिंग और ए पर्सन हु हैज चेंज हिज फेथ, इन सब के आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखना है, ठीक है। आशा करते हैं कि आपका जो सेशन है बहुत ही अच्छा रहेगा। और आने वाले समय में कुछ एग्ज़ाम्स भी है, इंग्लिश की एग्ज़ाम है, इस प्रकार की एग्ज़ाम है, तो उनको भी आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, ओके। आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए, इंग्लिश के साथ हम धीरे धीरे आपके साथ चलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।